हाय गाइस, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूं ज्यादा बढ़िया होगे। ओल्ड स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो क्लासिक में क्या अंतर है वो बहुत भाई पूछ रहे, तो सोचा आज लगे आज वीडियो बनाई लिया जाए। और ऐसा कौन सा चेंज है जो स्कॉर्पियो लवर से उनको जो है पूरी तरह से निराश कर दिया है, और इस गाड़ी से जो है उनका मन उतर चुका है। अब तो बने रहना वीडियो के एंड तक। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसी और वीडियो के लिए। चलो वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट आता है, पहले आपको जो है 7 स्लॉट ग्रिल मिलती है, जो 6 स्लॉट मिलती है और वो भी जो है सीधे डायरेक्शन में मिलती है, कोई पैटर्न बनाया हुआ नहीं है। दूसरा चेंज है लोगों का, 3 जगह पर लोगो नया आ चुका है स्टेयरिंग पर और आगे और पीछे। तीसरा चेंज है स्टेयरिंग व्हील जो है पियानो ब्लैक फिनिश में आ चुका है। चौथा चेंज है कि इन्फोटेनमेंट सिस्टम जो है उसकी स्क्रीन बड़ी हो चुकी है। पांचवा चेंज है इसके सस्पेंशन जो है चेंज किए गए हैं। छठा चेंज है कि पहले आपको गाड़ी के बैक प्रोफाइल में जो है व्हीलर पूरी तरह से ब्लैक मिलते थे, जो अब लाइट की तरह से कुछ नजर आते हैं, लेकिन वो लाइट फंक्शनल नहीं है। सातवां चेंज है इसके अलॉय व्हील में पहले आपको सिल्वर फिनिश के सिंपल अलॉय व्हील मिलते थे, जो अब डायमंड कट अलॉय व्हील मिलते हैं, साइज सेम ही है। सातवां चेंज है कि इसके इंजन की जो BHP है वो कम हो चुकी है, लेकिन इसके लॉ एंड टॉर्क जो है बढ़ चुका है। और अब बताता हूँ क्या है ऐसा चेंज जिसकी वजह से जो है स्कॉर्पियो के फैन यहाँ पर निराश हो गए थे, खास करके मैं भी, क्योंकि इसके जो DRL है वो बम्पर में दिया गया ना कि हेडलैम्प में। भैया इन्होंने मतलब मॉन्स्टर लुक जो स्कॉर्पियो का था उसको मतलब मार ही डाला, खुलेआम लॉजिक की इन्होंने हत्या कर दी। ये अपग्रेड है या फिर डाउनग्रेड है पता ही नहीं चलता कभी तक। बाकी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच। भाई ने बोला करने का तो करने का।